ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इसराइल ने किस कदर फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर कहर बरपाया है। तस्वीरों में इजरायली हमले के बाद फिलिस्तीन में हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। दरअसल आतंकवादी संगठन हमास ने इसराइल पर एक के बाद एक 700 रॉकेट्स दागे हैं। इन हमलों में इसराइल के 4 नागरिकों की मौत हो गई है, जिसके बाद इसराइल ने बदले की कार्रवाई करते हुए इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमास और दूसरे संगठनों के रॉकेट लॉन्च साइट्स बर्बाद कर दिए। इस कार्रवाई में हमास और अन्य संगठनों के 350 अड्डे बर्बाद हो गए। आतंकियों के कमांड और ट्रेनिंग सेंटर्स पर हमला किया गया। हथियार छिपाने के अड्डे तबाह कर दिए गए। हाल के सालों में सबसे भीषण झड़प बताई जा रही है, जिसमें 2 दिन में 4 इजरायली और 23 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। हालांकि इजरायल के जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी संगठन हमास एक बार फिर से बैकफुट पर दिखाई दे रहा है और इजरायली एयर स्ट्राइक पर दुनिया भर के देश उसके संपर्क में हैं। बता दें कि इजरायल में अप्रैल में आम चुनाव के दौरान दोनों ओर संघर्ष विराम की स्थिति थी, लेकिन इस हमले के बाद एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। हालांकि मिस्र और संयुक्त राष्ट्र प्रयास कर रहे हैं कि दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम को लंबे समय तक प्रभावी बनाया जाए, लेकिन इन कोशिशों से परे तनाव बढ़ रहा है।